हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ का जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स है उसका एक क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। सम ऑफ हू जीरोज इज 8, कि जिसके जीरोज का सम 8 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, और उसके जो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट 12 है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, आपको यानी कि दो काम करने हैं आपको, तो एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है और आपको जीरोज फाइंड करना है, जबकि क्या दिया हुआ है, जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने एक नोट डाला हुआ है, आप लोग इसे देखिए और फिर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो बी द रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। देखिए, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है, तो हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड कर लिया। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जनरल फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर बी द जीरोज ऑफ पी एक्स। और ये जो पॉलिनॉमियल हमने रिक्वायर्ड जो पॉलिनॉमियल है जो हमने सपोज किया हुआ है, उसके अल्फा और बीटा हमने जीरोज मान लिए। देन स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोज हों, देन क्या होगा कि एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा विल बी द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स, कि जो एक्स माइनस अल्फा होगा और एक्स माइनस बीटा होगा वो इस पॉलिनॉमियल के फैक्टर होंगे। तो ये मतलब ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा पी एक्स पॉलिनॉमियल था जिसे हमने सपोज किया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके फैक्टर्स क्या आ गए, एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो अगर हम x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो जो पॉलिनॉमियल है वो मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। आप दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेगा, एक्स जहाँ कॉमन होगा वहाँ एक्स कॉमन करिएगा और लास्ट में आपका प्लस अल्फा बीटा बचेगा। अब स्टूडेंट्स हमें गिवन है, देखिए जो हमने अल्फा बीटा इस जो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल उसके जीरोज माने हुए हैं, तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ था। तो सम ऑफ जीरोज कितना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है 8, और अल्फा इंटू बीटा उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 12। तो ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है, तो हम क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इस पॉलिनॉमियल में पुट करते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल है। तो पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 8x, ये 8x हो जाएगा, प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 12। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल था वो हमें मिल गया है, ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। अब स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसमें कहा गया था कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, कि आपको पॉलिनॉमियल के जीरोज फाइंड करने हैं। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हम पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो पुट कर दें और इसे सॉल्व कर लें एक्स के लिए, तो हमें एक्स की जो भी वैल्यूज मिलेंगी वो इस पॉलिनॉमियल की क्या हो जाएंगी, इस पॉलिनॉमियल का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक तरीका और है कि देखिए हमें गिवन था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना गिवन था 8, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना गिवन था 12। अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें, अल्फा की वैल्यू सेपरेट और बीटा की वैल्यू सेपरेट निकाल लें, तो हमें जीरोस इजीली मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 अल्फा बीटा। अगर आप चाहें तो इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आप खोल के और उसको सॉल्व करके देखेंगे तो 4 अल्फा बीटा आएगा। तो आप क्या करिए कि इस फॉर्मूले में यहाँ से जो भी जो वैल्यू आपको पता है वो यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है, तो 8 हम यहाँ पर रखेंगे तो 8 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, वो कितना है 12। तो इससे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 8 8 जा 64 माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, और 12 4 जा 48। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 64 माइनस 48। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 64 में से जब 48 को लेस करेंगे तो हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 16। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट 16, यानी कि हमें मिल गया अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 16 का रूट कितना होता है 4। तो स्टूडेंट्स हमें देखिए एक जो हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा यानी कि जीरोज का सम था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना था हमारे पास 8, और अभी अभी हमें क्या मिला है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। तो इसके नीचे लिख लेंगे हम लोग अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। अब क्या करिए, इसे आप जो ऐड कर दीजिए, ऑन एडिंग, इसे जब आप उसका सम निकालेंगे तो देखिए अल्फा अल्फा ऐड हो जाएगा तो 2 अल्फा हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो गया 12। तो इसे अल्फा के लिए सॉल्व करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 दैट इज 6। तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई हमें,
6। अब अल्फ़ा की वैल्यू आप इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ पुट की तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने रख दी 6 और प्लस बीटा, बीटा तो हमें पता ही करना है इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 माइनस 6, तो बीटा की फाइनली वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, अल्फ़ा भी हमें मिल गया और बीटा भी हमें मिल गया, और अल्फ़ा बीटा को हमने क्या सपोज किया था कि अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू आर बी द जीरोज़ ऑफ पी एक्स। तो एक वे ये भी है, और अगर आप चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आपका पॉलिनॉमियल मिल गया, जो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल था वो मिल गया, तो अगर यहाँ से आप पी एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, ये पी एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, उसे आप एक्स के लिए सॉल्व कर देंगे, तो भी आपको जो एक्स की दो वैल्यूज़ मिलेंगी वो यही मिलेंगी, 6 और 2। तो वो जो वैल्यूज़ होंगी एक्स की, उसे क्या कहेंगे आप, जीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का वो प्रॉपरली समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिल जाए। थैंक यू सो मच।